आप सबके वेलकम टू फरू की दुनिया। और आज का जो वीडियो है ना, ये थोड़ा मेरे रेगुलर वीडियो से ना थोड़ा हटके है। बहुत कुछ देखने मिलेगा नया, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और फिलहाल मेरे जो किचन की कंडीशन है ना, वो इस तरीके से है, मतलब मेरे पास इकट्ठे पूरे कंटेनर्स रह गए थे जिंजर और गार्लिक पेस्ट के, थोड़े जैम के, थोड़े घी के, इस तरीके से। तो उसी को मैं यूज़ करते आई थी, जिसपे स्टिकर भी लगा हुआ है। और फिलहाल ये काउंटर टॉप भी आप देख सकते हो जिस तरीके से है। तो सबसे पहले ना मैं ये सारे ही कंटेनर्स को निकालूंगी और ये सारे ही डब्बों को ना हम अच्छी तरीके से धोएंगे। इसे कैसे धोएंगे मैं आगे बताऊंगी और इसका पूरा का पूरा रूप मैं बदल दूंगी इंशाल्लाह। तो देखिए, सिर्फ 4-5 डब्बे हैं लकीली जिसपे स्टिकर नहीं है, वरना सारे ही डब्बों पे ना इस तरीके से स्टिकर है। इसको हम जितना मर्जी निकालने की कोशिश करें निकलते नहीं, तो फिर हम इसे ऐसे ही यूज़ कर लेते। अच्छा, तो उसके बाद ना ये जो पॉलीथीन होते हैं ना हमारे पास कैरी बैग्स, उसमें ही सारी चीज़ें रख ली हूँ, क्योंकि 2-3 दिन लग जाएंगे ये पूरा रेडी होने में। तो इसलिए मैं इसे सेफ रखी हूँ ताकि मटेरियल कोई भी ख़राब ना हो। अच्छा, तो इसे धोने का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना बॉक्सेस मेरे पास बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट बकेट में ही पानी गर्म कर ली हूँ। ज़्यादा अगर करेंगे ना तो कंटेनर्स मेल्ट होने के भी चांसेस है। आप इतना गुनगुना रखिए पानी कि आपका हाथ उसमें बेर कर सके। तो बस वो जब तक भीगते रहेंगे तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्राइमर। अगर आप चाहो तो रेडीमेड प्राइमर भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास कंटेनर बहुत ज़्यादा है, लाइक 30 से 40 कंटेनर्स है। अगर मैं बाहर से लेके प्राइमर यूज़ करते जाऊँगी ना, तो बहुत ज़्यादा डब्बे भी लग जाएंगे और बहुत महंगा भी पड़ जाएगा। उतने पैसों में ना मैं बाहर से कंटेनर ही ख़रीद ले सकती, तो इसलिए मैं सोची हूँ कि मैं घर पे इसे बनाऊँ। तो ये प्लास्टर ऑफ पैरिस है, POP है। इसका मैं 3 स्पून डाल दी हूँ और 3 स्पून हम डाल देंगे फेविकॉल गम के। और उसके बाद ना 1 टेबल स्पून के बराबर हम ना इसमें पानी डाल देंगे और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे वाइट पेंट, ये एक्रेलिक पेंट है। इसे हम डाल के ना इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये इसलिए कर रहे हैं प्राइमर क्योंकि हमारा कलर जो है ना, जो भी हम इसके ऊपर पेंट करेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग चले। तो यहाँ पे देखिए, मैं कंटेनर्स अच्छे से धो ली हूँ। पानी में हम भिगने के लिए रखे थे ना, तो प्लास्टर जो भी इसके ऊपर स्टिकर था ना, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, तो ईजिली स्क्रब करने से वो निकल गया है। अगर मैं वो भी इसमें ऐड करती ना वीडियो में, तो बहुत लंबा हो जाता वीडियो, इसलिए मैं ऐड नहीं करी हूँ। अच्छा, तो उसके बाद ना मैं इस तरीके से इस पर एक पैटर्न ड्रॉ कर ली हूँ पेपर टेप की मदद से। वो किस लिए करी हूँ वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा, तो देखिएगा वीडियो को पूरा एंड तक। और यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ फैन ब्रश। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे यूज़ कीजिएगा, बहुत ही हेल्प होगा आपको। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, अब बॉक्स पे मैं अच्छी तरीके से प्राइमर अप्लाई कर चुकी हूँ। तो चलिए मैं आपको ना दोबारा से दिखा देती हूँ छोटे छोटे कंटेनर्स पे मैं किस तरीके से बनाई हूँ। फर्स्ट आप पेपर टेप ले लीजिएगा, उसको ना इस तरीके से अप्लाई कर दीजिएगा। पेपर टेप मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, उसका ज़्यादा गम नहीं होगा, जब आप निकालोगे ना तो ईजिली वो रिमूव हो जाएगा। तो बस उसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दी हूँ अच्छी तरीके से प्राइमर। अगेन, प्राइमर इज़ मस्ट एंड शुड। प्राइमर अप्लाई किए बिना अगर आप कलर अप्लाई करोगे तो वो ईजिली निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से प्राइमर अप्लाई कर चुकी हूँ सारे ही कंटेनर्स को। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे वाइट कलर एक्रेलिक। हाँ, प्राइमर पूरी तरीके से ड्राई होना है, उसके बाद ही हम इसके ऊपर वाइट कलर करेंगे, या फिर आपको जो भी कलर करना हो आप कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे वाइट पेंट करने के बाद ना कुछ इस तरीके से कंटेनर्स दिख रहे हैं आप लोग को और बहुत ही कूल लग रहे हैं ना। चलिए, अब इसके ऊपर ना हम कुछ पैटर्न ड्रॉ करते हैं। उसके लिए मैं ले रही हूँ ये ब्रश, आप देख सकते हो नंबर वगैरह, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर मैं यहाँ पे वाइट के कॉम्बिनेशन में ना मैं यहाँ पे ले रही हूँ पिंक कलर, और इसके ऊपर हम जो पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं ना वो देखिएगा। अच्छा, तो देखिए, यहाँ पे मैं हार्ट्स ड्रॉ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी वे में, मतलब कोई भी इसे ड्रॉ कर सकता है। मतलब आपको राइट एंड लेफ्ट साइड से इस तरीके से पैटर्न ड्रॉ करना है और ये हार्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वाइट के साथ पिंक कलर, है ना।
है, देखिए दोनों कंटेनर्स रेडी हो गए हैं और रैंडमली मैं इधर उधर उधर इधर इस पर ड्रॉ कर दी हूँ और ये माशाल्लाह से छोटे जो कंटेनर्स थे वो पूरे के पूरे रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बड़े कंटेनर्स हैं ना वो भी रेडी हो गए, अगर दोनों काउंट करेंगे ना तकरीबन 35 से 40 कंटेनर्स हो गए थे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया है। जो प्लास्टर आपको दिख रहे हैं ना वो मैं आगे बताऊँगी क्या उसका हम क्या करेंगे। आई गेस बहुत सारे लोग अंदाज़ा भी लगा ली होंगे कि क्यों लगाई हूँ। अच्छा, तो कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए ना जो बॉक्सेस पे हम जो कंटेनर्स पे पेंट वगैरह करे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वार्निश। अगर इसको यूज़ नहीं करेंगे ना तो उस पे पानी वगैरह भी लग जाएगा तो फिर पेंट निकल जाएगा। तो आप वार्निश लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि इस बॉक्सेस को ना लॉन्ग लास्टिंग हम यूज़ कर सकें। और आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इसे हम वॉश कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आप वॉश कर सकते हो टैप वाटर में, रनिंग वाटर में आप इसे वॉश कर सकते हो, स्क्रब नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे एक मैं चाय का कप ले ली हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा था, क्योंकि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये काम कितना है। तो देखिए वार्निश लगाने के बाद ना कुछ इस तरीके से शाइनी ये कर रहा है, एज वेल ये प्रोटेक्ट भी करेगा। अच्छा, तो अब आ गई है बारी इसके लिड्स की। इसके लिड्स को मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। जो हमारा गिफ्ट रैपिंग पेपर जो होता है ना उसको मैं ले ली हूँ यहाँ पे, और बस इसका हम साइज़ ले लेंगे और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे इसका लिड। और साइड का भी आप थोड़ा मेजर ले लीजिएगा ताकि आप डबल राउंड ड्रॉ कर लीजिएगा। वो आपको आगे दिखेगा कि मैं किस तरीके से ड्रॉ करी हूँ। बस इसे ड्रॉ करने के बाद ना आप पेपर टेयर कर लीजिएगा। पेपर टेयर करने के बाद ना बस इसे कट कर लीजिएगा सीजर से उतना ही। आप चाहो तो इसी मेजरमेंट का ना बाकी के पेपर्स भी कट कर सकते हो। और राउंड आपको इस तरीके से कट करना है तो जो बाहर वाली लाइन है ना वहाँ से आपको कट करना है ताकि ऊपर का सरफेस भी कवर हो और साइड का जो बॉक्सेस का लिड है ना वो भी कवर हो। इसलिए हम दोनों तरीके से मतलब दोनों साइड से इसका मेजर ले लिए हैं। तो बस इसके ऊपर हम ग्लू गम वगैरह लगा देंगे और इसको हम कवर कर देंगे। अच्छा, तो इसी वे में सारे ही कैप्स को हम रेडी कर लेना है। जो भी एक्सेस रहेगा ना उसे इस तरीके से कट कर लीजिएगा। और अभी ये रेडी नहीं हुआ है, इसको हम थिन आउट करने के लिए, क्योंकि ये पेपर जो गिफ्ट रैपिंग पेपर है ना वो थिक होता है, तो इसे थिन आउट करने के लिए हम वाटर स्प्रे कर देंगे ताकि ये थिन हो जाए। और इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे डेको मैजिक। ये इट्सी बिट्सी से ली हूँ मैं, ये भी शाइनर होता है, तो शाइनर भी होता है एज वेल एज़ ये प्रोटेक्शन के लिए भी काम करेगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप गम के अंदर ना पानी थोड़ा मिक्स कीजिएगा, मिक्स करके भी आप अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर ताकि ये प्रोटेक्ट भी करे और थोड़ा शाइन भी दे। तो आगे मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस क्या है इसके दोनों के बीच में। तो देखिए इसी तरीके से मैं सारे लिड्स रेडी कर ली हूँ और आपको दिखाती हूँ कि जिस पे मैं डेको मैजिक नहीं लगाई हूँ वो कैसा दिखता है और लगाने के बाद कैसा दिखता है। ये इस पे ना मैं लगाई नहीं हूँ, बिल्कुल ड्राई ड्राई है और ये प्रोटेक्ट भी नहीं करेगा। जिसको मैं लगा दी हूँ डेको मैजिक वो देखिएगा कितना शाइनी कर रहा है। अच्छा, तो उसके बाद आ जाते हैं ये कंटेनर्स की लिड के ऊपर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा घरों में होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ये कंटेनर्स ना वायरल हुए हैं। नीचे का इसका जार ना कांच का है और ऊपर का जो है ना वो लिड प्लास्टिक की होती है और बहुत ही लो क्वालिटी में मिला है, लेकिन इसके कंटेनर बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, राइट। तो मैं आगे दिखाऊँगी वो किस कंटेनर की बात कर रही हूँ जो लोग गेस नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर मैं पहले प्राइमर लगा दी हूँ जिसे जेसो भी कहते हैं, और उसके बाद मैं ये लगा रही हूँ अलग अलग कलर्स। मेरे पास अलग अलग कलर्स थे तो मैं सोची हूँ कि मैं अलग अलग कलर करूँ। अगर आप एक करना चाहो तो एक भी कर सकते हो। देखिए एकदम न्यू लग रहे हैं ना ये कंटेनर। तो अब बढ़ते हैं क्लीनिंग पार्ट की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक भी है, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो करना ही है। तो बस ये जो भी एक्सेस चीज़ें थे ना उसे मैं निकाल दी, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड है जो कि मेरी हेल्प कर रहे हैं। मतलब तीन दिन से जो मैं DIYs वगैरह कर रही थी उस वक्त तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लास्ट डे जो कि आपको सब कुछ क्लीन वगैरह करना है तो उस वक्त आपको किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर पड़ेगी। तो किसी ना किसी एक इंसान को आप रखिएगा ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं शेल्फ वगैरह को अच्छी तरीके से झाड़ दी हूँ, उसके बाद इसे हम थोड़ा सा स्क्रब कर लेंगे और इसे क्लीन कर लेंगे।
और फिर यहाँ पे हम ले रहे हैं मेजरमेंट ताकि इसके ऊपर हम कवर बिछा सके उसी मेजरमेंट से कट करके। और यहाँ पे जो वॉल थी ना उसको भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ। अच्छा तो ये देखिए किचन काउंटर भी हमारा अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है, वॉल्स भी अच्छी तरीके से क्लीन हो गए और जो आपको शेल्फ्स दिख रहे हैं ना ये भी अच्छी तरीके से क्लीन एंड ड्राई हो गए हैं। तो अब हम लोग ले लेंगे इसका मेजरमेंट काउंटर स्टिकर का या फिर वॉल स्टिकर पे भी यूज़ हो सकता है ये, टेबल पे भी, एल्यूमिनियम पे भी, जहाँ पे भी आपको स्टिक करना हो ना तो आप स्टिक कर सकते हैं इसे। तो बस यहाँ पे मैं स्टिक कर रही हूँ, बहुत ही एहतियाती के साथ आप इसको स्टिक कीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आप रोल खोलिएगा और इस तरीके से कपड़े की हेल्प से इसे प्रेस की करते रहिएगा। पूरा रोल आप एक ही बार में खोल के ना इसे अगर अप्लाई करोगे ना तो ख़राब हो जाएगा आपकी शीट, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आप रोल ओपन करते जाइएगा और फिर इसे कपड़े की हेल्प से प्रेस करते जाइएगा और बस इसे पेस्ट करते जाइएगा। अच्छा तो ये देखिए माशाल्लाह से जो हमारा एक साइड का जो शेल्फ काउंटर टॉप है ना वो रेडी हो गया है। बिल्कुल उसी तरीके से हम दूसरा भी काउंटर टॉप को इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। अच्छा तो गाइज़ ये स्टिकर का जो बैक साइड का पेपर है ना ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मैं वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं इसे शेल्फ में यूज़ कर लूँ क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग है और अच्छा भी लग रहा था ये। तो देखिए ऊपर के शेल्फ में ना बड़े बड़े जो कंटेनर्स है ना मैं उसको रख दी हूँ। अच्छा तो अब आ गई है बारी बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग काम करने की, जो कि इसका प्लास्टर निकालने की। ये प्लास्टर लगाने का मकसद यही था कि अंदर कंटेनर्स में क्या है वो बाहर से ही दिख जाए लिड ओपन किए बिना, तो बस यही था इसका मकसद। आई होप आपको ना ये लिड्स और ये कंटेनर्स और ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। अभी इसी वक्त ना वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, इसी बात पे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी मुझे। तो ये रहे सारे ही कंटेनर्स। अच्छा तो गाइज़ यही कंटेनर्स की मैं बात कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ना इस पर मल्टी कलर आने की वजह से, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी अभी हम शोरूम से लेकर आए और इसे डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट। हालांकि ये मेरी शादी के जब नया नया था ना उस वक्त मेरे दीदी दिए थे, तो ये 4 ईयर्स पहले से बहुत ज़्यादा वायरल हुए हुए थे ये कंटेनर्स। तो एनीवेज़ यहाँ पे देखिएगा आप सारे ही कंटेनर जो कि कितने ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। आई होप आप सबको भी ना बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन आगे के DIYs देखे ना इससे भी ज़्यादा आपके होश उड़ जाएंगे। तो स्टे ट्यून गाइस टिल द एंड। अच्छा तो गाइज़ अब आ जाती है बारी काउंटर टॉप को सेटअप करने की, तो मैं आपको लास्ट में ना पूरा ब्रीफली बताऊंगी कि मैं क्या क्या रखी हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप लोग रैंडमली देख लीजिएगा कि मैं क्या क्या और कहाँ कहाँ कैसे रख रही हूँ। आगे DIY की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये जो वॉल क्लॉक है ना घर में थी रखे हुई तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम स्क्रू वगैरह निकाल लेंगे, इसका ग्लास फ्रेम वगैरह। ये क्लॉक को ना मैं किचन में लगाने वाली हूँ क्योंकि ना हम जो मॉम्स है या फिर वाइफ्स जो भी होते हैं ना लेडीज़ किचन में काम करने के लिए, वो लोग को ना टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम लोग ना तकरीबन घर में ना किचन में क्लॉक नहीं होता। तो मैं सोची हूँ कि किचन में क्लॉक भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर के जो जेंट्स है ना ये लोग बहुत ज़्यादा तंग भी कर देते, मतलब टाइम नहीं होता
लेकिन फिर भी टाइम हो रहा बोल के ना बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर देते। तो अगर वॉच रहेंगी ना तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर हम काम भी कर सकते हैं। तो एनीवेज ये जो प्रिंट आउट आपको दिख रहा है ना, ये इंटरनेट से मैं निकाली हूँ, और आप किसी भी इंटरनेट पे जाके ना आपकी जो घड़ी है उसका मेजरमेंट देख लीजिएगा और आप प्रिंट निकाल लीजिएगा और इस तरीके से पेपर को ना गम वगैरह लगा के पेस्ट कर दे सकते हो। और हाँ, लेकिन जो नंबर्स वगैरह है ना उसको, जो आपकी ओरिजिनल वॉच का जो नंबर है और आपका प्रिंट आउट नंबर है उसको अच्छे तरीके से एग्जैक्टली मैच करके उसे पेस्ट कर दीजिएगा। और बस ये रेडी हो गई है, इसके ऊपर मैं ग्लास वगैरह फ्रेम वगैरह रख के ना फिर इसे सेट कर दी हूँ। तो ये रहा हमारा किचन क्लॉक जो कि प्रिंट भी उसी थीम में है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस तरीके की सीनरीज घर में रहना, स्पेशली किचन में रहना एक वर्किंग वुमेन के लिए, एक हाउस होल्डर के लिए, ताकि हम हर वक्त मोटिवेट रहे, हर वक्त हम खुश रहे, हर वक्त हम उम्मीद से रहे कि हाँ कल कुछ बेहतर होगा। तो आगे आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। इसे बनाने के लिए ना कार्डबोर्ड में इस शेप में कट कर लिया, और ऊपर जो पेपर होता ना, जो नॉर्मली वाइट शीट पेपर होता ना, वही है मेरे पास ना। ब्लू कलर, येलो, पिंक कलर के इस तरीके के पेपर्स नहीं थे, तो और मेरे पास इस वक्त कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर मैं इसके लिए वेट करती ना तो फिर बहुत लेट हो जाता, इसलिए मैं सोची कि मेरे पास जो कलर्स है ना उसी को मैं इस पर पेंट कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये मेरे 3 शीट्स रेडी हो गए हैं, और इसे ड्राई होने के बाद आगे का हम काम कर रहे हैं। तो ये आपको जो पेपर स्टिक्स दिख रहे हैं ना, इसका भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, वहाँ से आप यूज़ कर देख के भी बना सकते हो, या फिर आप कॉर्नर्स पे ना ब्लैक टेप भी लगा के इसको फ्रेम टाइप का डिज़ाइन दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कोएट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है इसे पढ़ने से और इसे देखने से। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते, अगर हम चाहें ना तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बस उसी से रिलेटेड ना मैं 3 सीनरीज बनाई हूँ यहाँ पे, जिस पे लिखी हूँ आई कैन एंड आई विल। जो विल है ना शायद थोड़ा ऊपर चले गया, और हैंड राइटिंग मुझे ना उतनी खास नहीं लगी या। और ये जो दूसरा सीनरी है ना उस पर मैं लिखी हूँ यू विल सक्सेड, और उसके ऊपर से ना कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखी हूँ, तो थोड़ा थोड़ा इसे हाईलाइट भी कर ली हूँ। और यहाँ पे मैं 3rd सीनरी पे लिख रही हूँ डोंट गिव अप, तो जब मैं इसे लगाऊंगी ना तो सीक्वेंस वाइज लगाऊंगी। अच्छा, तो इसे हाईलाइट करने के लिए ना मैं पिंक के ऊपर येलो, ब्लू के ऊपर पिंक, इस तरीके से ना डॉट 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 लगा दे रही हूँ, ताकि थोड़ा ये हाईलाइट हो जाए। हैंड राइटिंग को माइंड मत कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, तो नेक्स्ट DIY की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि टी का जो कुल्लड़ होता है ना उसे मैं ले ली हूँ, और ये इतना क्यूट सा हमारा DIY बनेगा ना कि आप देखिएगा आगे। तो ये मुझे लोकल मार्केट से ना 15-20 रुपए में मिला है एक एक, और इससे हम काफ़ी अच्छा कुछ बनाएंगे। तो मैं सोची थी कि दोनों पे ही एक्वा ब्लू कर दूंगी, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं इसलिए सोची हूँ कि मैं ग्रीन कलर कर दूँ, और दोनों का जो ऊपर का जो बॉर्डर है ना उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे येलो कलर, ताकि ये दोनों एक दूसरे को कलर जो है ना अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, तो गाइज ये दोनों ही कुल्लड़ ना अच्छे तरीके से ड्राई होने के बाद वही मैं पिंक कलर लूँगी, और इसके ऊपर छोटे छोटे हार्ट्स बना दूँगी, ताकि ये और भी ज़्यादा क्यूट लगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे पेस्टिंग की तरफ। ये DIY जो है ना मेरे से मिस हो गया है वीडियो क्लिप, बस ये पेपर था जो कि मैं इंटरनेट से निकाली हूँ, और साइड का आपको जो ये दिख रहा है ना ये ब्लैक टेप से ही मैं इसका बॉर्डर बना ली हूँ, जो कि मैं आपको पहले बताई हूँ। और ये जो सीनरीज हम बनाए हैं ना उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, और ऊपर जो है ना डोंट गिव अप दी हूँ, क्योंकि शुरू शुरू में ना हम कोई भी काम करने से पहले गिव अप कर देते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं कर सकती, फिर हम अगर कर लेते हैं तो यू विल गेट सक्सेस। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि सीक्वेंस वाइज लगाऊँ। अब आप लोग बताइएगा कि मैं ऊपर से नीचे सही लगाई हूँ या फिर उल्टा लगाऊँ इसका, तो बस आप लोग बताइएगा। तो अच्छा, चलिए बढ़ते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये मेरा किचन का एंटर हो रहा है अभी, और यहाँ पे मैं लगा दी हूँ ये सीनरी। बिल्कुल उसके नीचे ही ना मैं यहाँ पे टी का स्टैंड रख दी हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है, और उसी के पीछे मैं ट्रे रख दी हूँ ताकि एकदम हैंडी रहे, और ये स्टैंड के ऊपर ना शक्कर और पत्ती रख दी हूँ
नीचे मैं ड्राई फ्रूट्स के छोटे वाले कंटेनर्स रख दी हूँ ताकि ईजिली इसे पिक कर सके। और दूसरा जो कटलरी है ना उसमें बड़े बड़े स्पून्स है जो कि रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते हैं। और ये जो रैक आपको दिख रहा है ना छोटा सा, उसमें मैं रख दी हूँ ऑयल। और ये छोटी सी बॉक्स आपको ऑयल की जो दिख रही है ना, ये रोटी वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजिली कम्फर्टेबल आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो सेरामिक होल्डर है ना उसके अंदर मैं रख दी हूँ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। और अगेन एक छोटी सी कटलरी है जिसमें नाइफ फोक स्पून्स वगैरह है, और वहीं पे चॉपिंग बोर्ड है एंड ग्लव्स वगैरह है। ऊपर के जो कंटेनर्स है ना उसमें एक में आटा है गेहूं का, एक में मैदा है, बीच का ना जो बासमती राइस होता है ना वो खाली हुआ है क्योंकि मंथ एंड चल रहा है इसलिए। फिर हम ले लेंगे और ग्राइंडर वगैरह यहाँ पे रख दी हूँ। और जो लास्ट का जो स्पेस बच गए थे ना उसमें मैं छोटे छोटे ये रेगुलर यूजर्स वाले ले ली हूँ, पैप्रिका और पार्सले ऑरिगेनो, ये सारे ही चीज़ें घी हनी इस तरीके से जो भी रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते हैं ना वही चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये जो छोटे कंटेनर्स है ना उसमें मेथी है, अजवाइन वगैरह है जो कि इजीली मैं पिक कर सकूं। और बस छोटे कंटेनर्स जो भी आपको दिख रहे हैं ना इसके अंदर रेगुलर बेसिस का वही सामान है, वही राशन है। जो आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टेप निकालने के बाद दिख रहा है ना उसको भी ना किसी दिन मैं सुकून से निकाल दूंगी। और ये जो कूलर आपको दिख रहा है ना ये मैं फ्रिज के ऊपर रखी हूँ। और ये जो स्पून्स है ना कभी कुछ पार्सल आ जाता है तो उसके बचे हुए कभी कभार मैं कॉनिन को दे देती हूँ उसको प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसे फेंकती नहीं हूँ मैं। और ये देखिएगा सीनरीज वगैरह इस तरीके से लगाई हूँ। और हाँ, जो काउंटर टॉप है ना उसके नीचे ना बस यही ऑप्शन है और यही रियलिस्टिक है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकती। और नीचे जो आपको ये बास्केट दिख रहा है ना इसके अंदर जो एक्स्ट्रा हमारा जो सामान होता है वही है। अच्छा, तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये चावल की बकेट है और इसके अंदर चावल वगैरह मैं स्टोर करके रखी हूँ जो रेगुलर रूटीन में यूज़ होते हैं। और उसके ऊपर ही ना स्पेस थी अच्छी खासी, दो कंटेनर आए जैसे, तो मैं वहाँ पे इसे रख दी हूँ। काउंटर टॉप पे इसे रखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही। और ये जो रेगुलर मसाले मैं यूज़ करते रहती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग इस कंटेनर को देखे हैं। और एक है मेरे पास जिसमें मैं रख दी हूँ खड़े गर्म मसाले, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रेगुलर बेसिस पे, तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, एक एक डब्बा आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ये। अच्छा, तो उसके साइड में ही ना ये बर्तन का स्टैंड है जिसमें सारे ही विजल्स वगैरह रखे हुए हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते हैं। तो बस ये रहा मेरा आज का वीडियो, आप लोग को कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट करके ना ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।